फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज मैं आरआरबी का आपको सेकंड सेशन लेके आ रहा हूँ। आरआरबी पीओ के मैं फर्स्ट सेशन में आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन करा चुका हूँ। फ्रेंड्स अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके देख ले, जिससे क्या है कि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपके सामने तीन डीआई कराऊंगा। फर्स्ट डीआई हमारी बार ग्राफ होगी, सेकंड पाई चार्ट एंड थर्ड टेबुलर। ठीक है, इसमें हमें पिछले साल पांच क्वेश्चन मतलब टोटल 14 क्वेश्चन डीआई से पूछे गए थे। 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक से थे, बाकी 15 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम अपने डीआई स्टार्ट करते हैं और पहली डीआई पे चलते हैं, बार ग्राफ। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। स्टोर बी द्वारा जनवरी और फरवरी में बेची गई कमीजों की संख्या और उसी स्टोर द्वारा अप्रैल और मई में बेची गई कमीजों की संख्या के बीच में अनुपात निकालना है हमें। ठीक है ना, तो आप पहले जब भी आप डीआई देखें तो सबसे पहले आप ये रिव्यू कर लें कि क्या दे रखा है और हमें किस में ग्राफ है हमारा और क्या गिवन है। क्योंकि अगर ये आप एक सरसरी निगाहों में ये चीज देख लेंगे तो आप डीआई को समझ जाएंगे और फिर आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब टेबुलर डीआई है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें कुछ ऐसा खास डेटा दिया नहीं है, आपको साफ साफ बता रखा है जो डेटा है उसने नीचे कॉलम में भी दिया हुआ था एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं ए को अलग से इंडिकेट किया है, बी को अलग से इंडिकेट किया है, उनका डेटा भी आपको गिवन है और 5 मंथ में बेची गई कमीजों की संख्या के मध्य ग्राफ दिया गया है आपको। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूछा है स्टोर बी में जनवरी और फरवरी में बेची गई कमीजों की संख्या और उसी में अप्रैल और मई में बेची गई कमीजों की संख्या के बीच अनुपात। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए हमें दे रखा है कि स्टोर बी में जनवरी फरवरी और अप्रैल मई, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप डायरेक्टली और जल्दी कैसे देंगे मैं आपको बताता हूं। जो पीछे जीरो दे रखी है आपको डेटा दे रखा है जनवरी और फरवरी का, स्टोर बी में देखना है। तो जनवरी फरवरी का आपको डेटा दिख रहा होगा कि 240 और 310 दे रखा है ना, तो आप 240 का जीरो छोड़िए, 24 और 31 लिखिए क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। क्यों, रेशो में जीरो तो कटने वाला है, तो आप जितना शॉर्ट करेंगे, अभी माइंड कैलकुलेशन थी, आप इसको फटाफट से जोड़ के लिख सकते थे 55। ये आपको ये चीज नहीं लिखनी थी, आपको डेटा देख के लिखना था। तो मैं आपको हर शॉर्ट वे बताऊंगा जिससे हम आसानी से जल्दी जल्दी आंसर दे सके एट ए ग्लांस में, मतलब एक झलक में हमें आंसर देना है। तो कैसे देंगे देखिए, ये आपको माइंड कैलकुलेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप 55, अब अप्रैल और मई में जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ेंगे देखिए, अपने पास डेटा दे रखा है अप्रैल मई का 330 और 110, तो सीधी सी बात है आपको 33 और 11 जोड़ने हैं। ठीक है ना, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि रेशो में जीरो कटने वाला था। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो आप एट ए ग्लांस में जोड़ सकते हैं, 44 आ जाएगा। तो अब इसका रेशो क्या आ रहा है, 5:4, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। स्टोर ए द्वारा जनवरी अप्रैल और मई में बेची गई कमीजों की संख्या का औसत निकालना है, तो मतलब एवरेज निकालना है जनवरी अप्रैल और मई और स्टोर ए। तो ये जो डेटा होता है ना, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बार ऐसे लिख लेंगे कि स्टोर ए है, कौन कौन से मंथ हैं, तो आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन करने में। क्योंकि हम जब बार बार डेटा देखते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स और एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इसलिए अलर्ट रहना है कि कौन सा स्टोर है और कौन से मंथ हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे आप एक्यूरेट आंसर दें। ठीक है, तो अब जनवरी अप्रैल और मई है, ठीक है, तो अब हम इनका ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करना है, बस इतना सा काम करना है। तो अब ऐड करते हैं, देखिए स्टोर ए का निकालना है जनवरी अप्रैल और मई। मैंने आपसे कहा था कि जीरो है ना, आप जितनी इग्नोर कर सकें जीरो को करिए, क्योंकि हमें डेटा आसानी से सम करना है। तो आप जीरो को क्यों लेके चलें, जितना कम कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे उतना आसानी होगा। आप जीरो साथ में लेके चल भी सकते हैं क्योंकि 10 का कॉमन आने वाला है हमारा। तो देखिए इसको सम करना है और आसानी से सम करेंगे। देखिए आप इसको अगर डेटा देखते तो आप कैसे सम करते, तो ये हो गया 72। ठीक है फ्रेंड्स, 72 हो गया। अब एवरेज निकालना था तो कितनी क्वांटिटी एंटिटीज है, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। अब 24 आया, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि 240 है इसका आंसर, क्योंकि मैंने जीरो ली नहीं यहाँ पे, जीरो ले लेते तो यहाँ पे भी जीरो आ जाता और 240 आ जाता। तो आप जितना शॉर्ट वे में चलेंगे, और ये आपको सम देखते ही करना था, ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको सम निगाहों में करना है। ओके ना फ्रेंड्स, क्योंकि डेटा आपको दिया हुआ है और आप देख के भी कर सकते हैं इनका सम। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया 240, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टोर ए द्वारा बेची गई कमीजों की संख्या फरवरी से मई तक
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है ना। स्टोर ए दे रखा है, बस डेटा में 12 बोलूंगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टोर ए दे रखा है और फरवरी से मई तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, फरवरी का डेटा लिखना है और मई का डेटा लिखना है और कितने परसेंट वृद्धि हुई है मई में वो निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं मई में हमारे पास डेटा दे रखा है स्टोर ए के लिए 340 और फरवरी के लिए दे रखा है 240, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई है, तो देखिए 100 किससे हुई है, 240 से, भाई फरवरी से तो हुई है 240 से, और परसेंटेज में निकालना तो ये 100 कर देंगे। तो आप इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, तो कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप इस 100 को भूल जाइए, क्योंकि हमारा आंसर हमें परसेंटेज में देना है तो 100 तो आने वाला है। तो अब इसको कुछ भी रखिए, इसको 100 को अभी 0 को ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने 0 से 0 काट दिया, अब ये 1000 मान के चलिए और आप 24 मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 का इंटू कर दिया डायरेक्ट। आपको कौन देखिए, अब इसको मैं किससे काटूंगा कि अब इसको मैं 8 से काट सकता हूं, और आपको पता है 8 से 1125 बार कटता है और ये आ जाएगा 125/3। और ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में आप देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर आ जाएगा 41.2/3 परसेंटेज आपका आंसर होगा फ्रेंड। अब आप देखिए 125/3, यहां से आपका क्या कंसेप्ट निकला कि जब भी आपका 1000 आ जाए और इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 125 आता है फ्रेंड्स। जो आपको एक ये डायरेक्ट याद रखना है, ये एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि कभी भी कहीं भी यूज हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ से मैंने 8 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 रहा, तो 8 से 125 डायरेक्टली कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 41.2/3 परसेंटेज, क्योंकि मैंने 100 से इंटू कर रखा था पहले ही, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, यदि स्टोर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यदि स्टोर ए और बी द्वारा जून में बेची गई कमीजों की संख्या, अब आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जून का कहीं भी डेटा नहीं दिया है, तो बस रिलेशन देगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर डेटा नहीं दिया है जून का तो रिलेशन देगा, और किससे देगा वो हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए, स्टोर ए और बी द्वारा, ए और बी साथ में कंबाइंड है, जून में बेची गई कमीजों की संख्या मार्च में बेची गई कमीजों की संख्या से 120 अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टोर ए और बी द्वारा जून में बेची गई संख्या निकालनी, बहुत आसान हो गया। देखिए सीधी सी बात है, जून में निकालना है और वो क्या है, मार्च में जो बेची गई ए और बी की है, मार्च में जो बेची गई ए एंड बी में चल रहा है कॉम्बिनेशन सारा, और ए एंड बी का ही हमें पूछा है, ठीक है ना। तो वो कितना है, 120 अधिक है, यही बोला है क्वेश्चन में कि 120 अधिक है। तो आपको मार्च की ए और बी की लिखनी है बस, और कुछ भी काम नहीं करना है। तो मार्च में ए और बी में कितनी है फ्रेंड्स, 190 + 360 + 360 और 120। तो अब आप देख सकते हैं, ये तो 36, 12, 44, तो 480 तो ये हो जाएगा, 48 इसको लिख सकते हो आप, और 19 तो 71 ये हो जाएगा 67, 670 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जीरो को इंक्लूड कर लिया, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं सम करके। तो बहुत आसान डीआई आती हैं, इसलिए आप 10 या 8 मिनट में 14 क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, और सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेटा को एग्जैक्ट लिखेंगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि स्टोर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, देखिएगा, यदि स्टोर ए और बी द्वारा दिसंबर में बेची गई, अब देखिए मैंने बोला था, देखिए यहाँ पे दिसंबर का कोई डेटा हमें गिवन नहीं है, तो रिलेशन देगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो दिसंबर में बेची गई कमीजों की संख्या हमें निकालनी है, अप्रैल, ये इसका रिलेशन क्या है, अप्रैल में बेची गई कमीजों की संख्या से 25% कम है, तो अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें ऐसी देखिए, एवरेज का क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाता है, परसेंटेज का भी हो जाता है, तो डीआई मिक्सअप चलती है और हर किसी में ये होने वाला है। तो आप घबराएं नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा प्रॉपरली, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 25% कम हो तो स्टोर ए और बी में दिसंबर में बेची गई संख्या कितनी है, तो किससे निकालना है, अप्रैल से, तो ए और बी में अप्रैल का कितना है ये जोड़ लेते हैं, उसका 75% करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25% कम बोला है, ठीक है ना। तो देखिए 25% बराबर क्या होता है अपने पास, 1/4 होता है, और 25% कम 1 - 1/4, तो अप्रैल का अगर हम 3/4 निकाल लेंगे तो दिसंबर का आ जाएगा, क्योंकि यही तो रिलेशन दे रखा है। तो बस अप्रैल क्या है हमारे पास, अप्रैल का निकालना है ए एंड बी का, तो अप्रैल का ए एंड बी का हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, देखिएगा 210 और 330 दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए 210 और 330 दे रखा है, तो आप 33 और ये जोड़िए कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 540 आ गया, और आपका आंसर क्या आने वाला है, 540 × 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 405 आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। कैसे किया, 4 से मैंने इसको काट दिया, ये कटा 4 * 4 = 12, बचे 2 * 4 = 20, 135 into 3 करना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए
3 को इससे कीजिए 100, ये 100 प्लस 35 लिख सकता हूँ ना इसको, तो 100 प्लस 35 कीजिए तो ये हो गया 300, और 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है, तो ये 405 आ गया। तो ये कैलकुलेशन भी आपको ध्यान रखने की कि जितना जल्दी आप तोड़ तोड़ के मल्टीप्लिकेशन को करेंगे बस आपके पास सम करने का काम रह जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है 540 इंटू 3 बटे 4 किया था फ्रेंड्स, तो ये आया था हमारे पास 135 इंटू 3, इसको मैंने 100 प्लस 35 में इसलिए तोड़ा क्योंकि आसानी हो जाती है हमें कैलकुलेशन करने में, तो 300 प्लस 405 हमारा आंसर आ गया। और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको काट के और फटाफट से बस 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये पाई चार्ट है, और पाई चार्ट का मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन क्रैक करेंगे, बहुत अच्छा मेथड है, आप समझना जरूर, फोकस रखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आसानी से हम आंसर दे पाएंगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। देखिए विभिन्न थिएटरों में मतलब डिफरेंट थिएटर्स में हमें टिकटों का प्रतिशत दे रखा है आपको पाई चार्ट में गिवन है, ठीक है ना। अब ये भी आपको बता दूं कि पाई चार्ट में हमेशा 100% होता है, ठीक है ना, और ये सारे से हम करोगे तो 100% ही आने वाला है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और अब इसमें क्या दे रखा है, शुक्रवार का ही मेंशन किया हुआ है सारा, शुक्रवार को बेचे गए कुल टिकट है 850, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, फ्राइडे को बेची गई कुल टिकट 850 है, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। आप ये समझ लें कि यही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि सब में ये चलने वाला है, तो मैं क्यों ना इस 850 को 1700/2 लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स, यही कंसेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज आप इसको समझ लेंगे ना तो पाई चार्ट या फिर इवन कोई सा भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर दे रखा होता है 85 दिया, तो मैं इसको 1700/2 लिख सकता था ना, तो जीरो का जीरो लगा दिया तो 1700/2 मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रेंड, ये इस कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अब आंसर देखिए बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि थिएटर ए और डी में बेची गई कुल टिकट, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन जिससे गलती ना ही होगी, ठीक है ना। थिएटर ए और डी में बेची गई कुल टिकटों की संख्या थिएटर बी और सी में बेची गई कुल टिकटों की संख्या के मध्य अंतर क्या है, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है फ्रेंड्स। अब आप फटाफट से कॉपी में ये लिखें, ए और डी में और ए और डी में एंड बी एंड सी में, तो ये लिख लेंगे ना तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, आप ए और डी का डेटा उठाएंगे और बी एंड सी का डेटा होंगे। एक एक टिप्स दूंगा मैं आपको जिससे आपकी गलती होने के चांस कम हो जाए, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, आपको देखिए ए और डी और बी और सी का निकालना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में चल रहा है ना फ्रेंड्स, तो आप क्या निकालते, आप करेंगे कि ए का निकालेंगे, ए दे रखा है आपको 20%, तो 20% निकालेंगे 180 का, फिर उसको प्लस करेंगे डी का, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा ए और डी का कितना परसेंट, आप परसेंटेज जोड़िए डायरेक्ट, तो परसेंटेज कितना आ रहा है इसका दोनों का 50, आपको दिख रहा होगा ए 20 है और डी 30 है, तो 50% हो गया, तो परसेंट परसेंट आप भूल जाइए, अपना आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, परसेंटेज आप अभी भूल जाइए। देखिए माइनस बी एंड सी का क्या है हमारे पास, बी एंड सी का दे रखा है हमारे पास डेटा 24 एंड 16, ये दे रखा है तो इसको ऐड करेंगे तो 40, तो अब आप देख रहे हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 10, तो मतलब ये क्या है, डिफरेंस 10% आएगा, ठीक है ना, डिफरेंस 10% आएगा, और किसका है 10%, इसी का तो है फ्रेंड्स, तो 850 का 10% क्या होने वाला है 85 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपको बात समझ में आई कि यहाँ अपन इंटू भी करते और हर किसी का परसेंटेज निकालते तो कितना टाइम लग जाता, लेकिन हमने डिफरेंस निकाला कितना आ रहा है 10% आ रहा है, किसका आएगा वो 850 जो हमारी टोटल टिकट्स दे रखी हैं फ्राइडे को, ठीक है, तो ये हमारा 85 आंसर आ गया, बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट किया। ये ट्रिक आप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं आप और लिखेंगे, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा, कैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चलिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, थिएटर बी द्वारा शनिवार को बेचे गए, अब मैंने कहा था ना कि शुक्रवार का डेटा दे रखा है और शनिवार की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्लू देगा हमें, क्या दे रखा है, शनिवार को बेची गई टिकटों की संख्या शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से तो 32 अधिक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि थिएटर बी की बात चल रही है ना, थिएटर बी में शनिवार को सैटरडे लिख देंगे ऐसे टी फ्राइडे से 32 अधिक है, यही तो बोला है, तो ऐसे आप इक्वेशन लिख लें, ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगी आपको। देखिएगा अगला इक्वेशन क्या है, थिएटर ई द्वारा शनिवार को बेची गई टिकटों की संख्या शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से 59 अधिक है, तो बस सैटरडे ई में, ठीक है ना, कितनी है, शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से 59 अधिक है, तो ये चीज मैंने लिख ली, बस आपको फ्राइडे का निकालना है और ऐड करना है, बस इतना सा काम है। और फ्राइडे का कैसे निकालेंगे डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है इनका, ठीक है, बी और ई का परसेंटेज क्या है फ्राइडे में, परसेंटेज आप देख लीजिए, बी और ई का परसेंटेज है हमारे पास ई का दे रखा है 10% और बी का दे रखा है 16%, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिएगा
कि फ्राइडे में 16% आ रहा है। अब आप 1700 लिखा है ना आपने, 1700 ये मैं बी के लिए कंडीशन लगा रहा हूँ फ्राइडे के लिए, ठीक है। तो बी के फ्राइडे के लिए 1700 बटे 2 लिखा है तो उसका 16% करना है। तो आपको देखिए मैं बोल रहा था ना कि परसेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये तो 100 से 100 कटने वाला है, इसलिए मैंने 1700 बटे 2 लिखा था 850 का। तो आसान हो गया ना आपके लिए, तो बस आपको ये करना है। 8 से हो गया तो कितना जल्दी आपने 136 इसका लेके आ गए आप, ठीक है। 136 अब सैटरडे को क्या हो जाएगा प्लस 32, तो बस ऐड ही तो करना है आपको, तो ऐड करेंगे तो 168 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गई बी, सैटरडे को कितनी थी 168, मतलब फ्राइडे को 136 निकाली हमने, 1700 बटे 2 लिखा और 16% इसका निकाल लिया, क्योंकि हमें पाई चार्ट में दे रखा है कि बी का डेटा 16% है, ये आप फोकस रखें, है ना। अब हमें ई का निकालना, तो ई का 10% है डायरेक्टली, तो 10% कितना होगा 850 का 85, तो ई का ई के लिए क्या करेंगे सैटरडे के लिए, तो फ्राइडे का कितना आ गया 10% था तो 85 आ गया, 85 प्लस 59, 59 कितना हो जाएगा अब इसको 144। तो अब आपको रेशो निकालना है बी और ई का शनिवार का, मतलब सैटरडे का, तो क्या आ जाएगा 168 एंड 144। तो इसको 12 से काट सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 144 12 से कटने वाला है, तो 12 टाइम्स चला गया फ्रेंड्स, ये चला जाएगा 12 वन 12 और ये 4, ठीक है। तो 7:6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी आपका आंसर है फ्रेंड्स। तो हमने ऐसे कैलकुलेशन करनी है, 1700 बटे 2 लिखना है जिससे आपका मल्टीप्लाई आसान हो जाए, ठीक है ना। एक एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझाने में टाइम लगता है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है फ्रेंड्स आपको। तो ये आप कंसेप्ट समझ लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी ट्रिक से करेंगे, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी थिएटरों द्वारा शुक्रवार को बेचे गए टिकटों की संख्या, गुरुवार आ गया, गुरुवार का कनेक्शन दे रखा होगा डेफिनेटली बात है, गुरुवार से में बेचे गए टिकटों की संख्या से 70% अधिक है, ठीक है। तो गुरुवार को कितनी होगी, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, साफ साफ बोल रखा है कि थर्सडे को है ना 70% अधिक का मतलब 170 बटे 100 लिख सकते हो ना फ्रेंड इसको, तो ये किसके बराबर है शुक्रवार को, अब दे रखा है हमें कि शुक्रवार को बेचे गए टिकटों की संख्या के बराबर है, कि भाई गुरुवार को 70% अधिक है, शुक्रवार को बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है 850, आसानी से कर सकते हैं। या फिर इसको आप 1700 बटे 2 भी लिख सकते थे जिससे आपको पता लग जाता, देखिए 1700 बटे 2 का काम कहां आ रहा है, आसानी से आप काट सकते हैं, ठीक है ना, 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा थर्सडे में, कितनी आ जाएंगी फ्रेंड्स 1000 / 2 500 आपका आंसर आ गया टिकटों की संख्या। देखिए ट्रिकी था ना, 1700 बटे 2 से आसानी से हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नाइन्थ, देखिए अलग कंसेप्ट अलग क्वेश्चन, डीआई में ऐसे ही 5 क्वेश्चन देगा, डिफरेंट कंसेप्ट के होंगे, डिफरेंट चैप्टर से आएंगे अर्थमेटिक के, एवरेज परसेंटेज सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए केंद्रीय कोण निकालना है हमें, सेंट्रल एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत आसान कंसेप्ट बताऊंगा आपको फ्रेंड्स। थिएटर बी का निकालना है, बेची गई कुल टिकटों की संख्या का केंद्रीय कोण निकालना है, आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, थिएटर बी का परसेंटेज कितना ये देख लीजिए ग्राफ में, कितना दे रखा है पाई चार्ट में 16% दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी दे रखा है ना, हमें थीटा पूछा है तो थीटा हमेशा 360 में घूमता है, अगर पाई चार्ट है तो थीटा हमेशा 360 में घूमेगा ना, आप आंख मीच के 360 से इनटू कर दीजिए फ्रेंड्स बस, और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, 10 से 10 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 57.6 आपका आंसर आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। मैंने क्या कंसेप्ट बताया, परसेंटेज दे रखा हो उसको भूल जाइए, परसेंटेज को 16/100 लिखना है हमें, लेकिन उसका क्या करना है, सीधा सीधा थीटा कितना है थीटा निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है थीटा की यूनिट आएगी, और थीटा कितना है हमारा 360 है पाई चार्ट का, तो सीधा सीधा आप 360 का इंटू करिए, मैं तो ये कहता हूं, ऑप्शन आपको मिलेगा 57.6 एक ही ऑप्शन मिलेगा, आप आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा फ्रेंड, देखिए अब यहाँ 1700/2 का क्या रोल प्ले होता है आप समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, थिएटर सी द्वारा बेचे गए टिकटों की कुल टिकटों की संख्या का 5/12 भाग, सी द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या का 5/12 भाग, थिएटर डी द्वारा बेचे गए कुल टिकटों की संख्या का 1/17 भाग महिलाओं का है, ठीक है ना, मतलब महिलाओं द्वारा खरीदा जाता है, तो सी और डी में महिलाओं को बेचे गए कुल टिकट निकालने हैं। तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि क्या करना है, सी और डी में महिलाओं द्वारा बेचे गए कुल टिकट निकालने हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा, रिलेशन हमें दे रखा है सी द्वारा, सी हमारे पास है और डी हमारे पास है, तो सी का परसेंटेज हमें इंपोर्टेंट है और डी का परसेंटेज भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे इसका, देखिए सी का परसेंटेज दे रखा है 24 और डी का दे रखा है 30, ठीक है, तो सी का दे रखा है 24% और डी का दे रखा है 30। अब आपको ये चीज समझ में आई, इसका 5/12 भाग, यही तो बोला है महिलाओं का ही तो निकालना है, तो 5/12 भाग और इसका 1/17 भाग, यही तो बोला है। अब आप देखिए ये 24% किसका है फ्रेंड्स, टोटल का ही तो है, टोटल क्या है हमारा
1700/2, जिसको हम 850 भी लिख सकते हैं और 1700/2 लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 1700/2 बताया था। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए 2 टाइम्स चला गया ना, अब 100 से 100 तो जाने ही वाला था, इसलिए मैं कह रहा था कि 100 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब देखिए ये कट गया और 17 से 17 कट गया और ये आ गया 15, और अब 15 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 17 × 5। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन है, 85 यहाँ से आ गया और 15 यहाँ से आ गया, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 100 टिकट्स महिलाओं को दी गई है। इनका दोनों का ऐड करना है, जैसा कि आप उसने बोला है क्वेश्चन में कि सी और डी में टोटल मिलाकर कितनी। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी 1700/2 की, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा स्लो लेके चला हूं इस चीज़ को। ठीक है, जिस तरीके से आने वाले सेशंस में हम बहुत फास्ट करेंगे, ट्रिक के थ्रू करेंगे सब कुछ, ठीक है ना फ्रेंड। तो पहले आप अपना बेस बना लीजिए, बिल्डअप कर लीजिए, फिर हम आगे फास्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का पाई चार्ट था। अब मैं आपको टेबुलर डीआई कराऊंगा जिसके 4 क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, टेबुलर डीआई आपके सामने है, आप इसको समझ लीजिए, बस इतना सा कंसेप्ट है इसका। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये चीज क्या है। देखिए इसने एक आपको टेबल दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, 4 संस्थान हैं, RSTU, ये भी आपको दिख रहा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कुल विद्यार्थी दे रखे हैं। अब नीचे आपको नोट लिखा हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में लिखा हुआ आया था फ्रेंड, तो नोट में आपको दिख रहा होगा कि जो ये इंस्टीट्यूशंस है ना, इनमें फ्रेंच और स्पेनिश 2 क्लासेस लगती हैं फ्रेंड्स। तो यही यहाँ का लॉजिक है, अगर आप नोट नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको बस यही समझना है कि नोट में फ्रेंच और स्पेनिश दोनों हैं। अब गिवन क्या है हमें ये देखिए, अब आपको दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि टोटल स्टूडेंट्स किस किस को मिला के हैं, फ्रेंच और स्पेनिश को मिला के हैं, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको बोलना है कि देखिए आगे दे रखा है फ्रेंच की कक्षा में एनरोल स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब फ्रेंच में कितने एनरोल हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारा दे रखा है आपको डेटा। ठीक है, और फ्रेंच में ही फीमेल, ठीक है, तो वो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं और फीमेल दे रखे हैं, और टोटल फीमेल का परसेंटेज है। ओके, आप ध्यान से समझिए, इसमें दे रखा है कि फ्रेंच की कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों का गर्ल्स का आपको परसेंटेज दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कंसेप्ट क्या बिल्डअप करेंगे ये मैं आपको अभी इमेजिन करा देता हूं। टोटल फ्रेंच में दे रखे हैं हमें बॉयज, मतलब सॉरी, टोटल हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं फ्रेंच में, जो भी दे रखे हैं हमें गिवन डेटा है, और लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है। आप ये जानते होंगे कि लड़कों का प्रतिशत लड़कियों के प्रतिशत में से 100 में से माइनस कर दीजिए तो लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा उस कक्षा में। तो यही इसका कंसेप्ट है और आगे हम इसी कंसेप्ट से चलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ता हूं। देखिए, संस्थान आर में फ्रेंच की कक्षा में एनरोल लड़कों की संख्या, मतलब जो अपना इंस्टीट्यूशन आर है उसमें लड़कों की संख्या, संस्थान टी में दोनों कक्षाओं में, मतलब संस्थान टी में दोनों कक्षाओं में, दोनों कक्षा का मतलब समझ रहे हैं आप, स्पेनिश और फ्रेंच, ये चीज लॉजिक है। ठीक है ना, आपको नोट से ही समझ में आएगी ये चीज। तो आर में फ्रेंच में और टी में दोनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या पूछा है, देखिए फ्रेंच आर में पूछा है ना, तो फ्रेंच में लड़के तो बॉयज पूछे, बस यहां से आपका कंसेप्ट बनने वाला है। देखिए फ्रेंच में बॉयज पूछे और टी में टोटल पूछे और बोथ लैंग्वेज के पूछे, ठीक है, बोथ लैंग्वेज। अब इसमें सिर्फ फ्रेंच के लड़कों की बात की गई है और इसका हमें परसेंटेज निकालना है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स। तो अब कैसे करेंगे इसका, आसानी से कर सकते हैं। आर में फ्रेंच बॉयज कितने हैं ये निकालना है, तो आर में आपको दिख रहा है कि 320 टोटल है फ्रेंच में, ओके फ्रेंड्स, और 60 लड़कियां हैं, तो 60 लड़कियां हैं ना, 60% लड़कियां हैं, सॉरी मेरा कहने का मतलब ये था कि 60% लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 40%, तो 320 का 40% ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे तो आसानी होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए ऐसे कर देंगे इसको, अपॉन टोटल कितने यहां पे हमारे पास 480 है, किसमें, टी में देख लीजिए आप, 480 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है, दोनों लैंग्वेज मिला के, इंटू 100, तो ये नीचे 100 जाता, तो 100 से मैंने 100 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जीरो से मैंने जीरो काट दिया। अब देखिए 16 × 2 = 32, 20, 16 × 3 = 48, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80/3, और आप देख सकते हैं 80/3% को लिख देंगे 26 × 26 = 78/2, 26 × 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आपने ये कैलकुलेशन आसान कर दी यहाँ इंटू ना करके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, लास्ट में आके कैलकुलेशन करनी है डीआई में, जिससे आपको आपका टाइम बचेगा और आसानी से ये सब चीज़ें कटने वाली हैं। तो यहाँ पे बॉयज निकालने थे, कैसे निकाले, महिलाओं के प्रतिशत में से घटा दिया तो बॉयज निकल गए, ठीक है ना, तो ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संस्थान एस में स्पेनिश आ गया। देखिए अब स्पेनिश आ गया, आपको पता है फ्रेंच का दे रखा है, अगर फ्रेंच के स्टूडेंट्स में टोटल में से फ्रेंच के घटा देंगे तो स्पेनिश आ जाएंगे, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब स्पेनिश संस्थान एस में, मतलब जो इंस्टीट्यूशन एस है उस पर, उसमें स्पेनिश भाषा की कक्षा में एनरोल कुल विद्यार्थी, ये समझ में आई आपको, स्पेनिश भाषा की कक्षा में एनरोल कुल विद्यार्थी तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं विद्यार्थी एस में, ये देखिए आप पहले टोटल एस में कितने हैं हमारे पास, 750 है ना फ्रेंड्स, है ना। और फ्रेंच के जब माइनस करेंगे, फ्रेंच की जब माइनस करेंगे तो हमारे पास किसके आ जाएंगे, स्पेनिश के आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंच के कितने हैं हमारे पास, फ्रेंच के हमारे पास 400 है, तो हमारे पास स्पेनिश आ गया एस में, एस में स्पेनिश कितने आ गए, 350, 750 में से 400 घटाए तो 350 स्पेनिश आ चुके हैं आपके पास, यहां तक का अपना क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 70% लड़के हैं, तो इसने बोला है कि यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या एस में कितनी है, स्पेनिश में 350, और इसका 70% बॉयज हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 70% इसका, तो ये बॉयज हो जाएंगे, और बची कुछ 30% गर्ल हैं, ये आपको एडिशनल दिमाग में चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे क्या बोलता है कि देखिएगा कि संस्थान एस में दोनों भाषाओं की कक्षा में नामांकित लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब आप समझे कि यहाँ तो स्पेनिश में बॉयज निकालने हैं अपन को, ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो आसानी से कट जाएंगी, तो देखिए 35 × 7, तो ये तो आ गए एस में स्पेनिश में, ठीक है, स्पेनिश में बॉयज हो गए, ठीक है। और फ्रेंच में बॉयज कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंच में बॉयज कैसे निकालेंगे, आपको फ्रेंच में 400 गीवन है और लड़कियों का मतलब गर्ल्स का आपको दे रखा है परसेंटेज, और उसमें 100 में से माइनस करेंगे तो बॉयज का आ जाएगा, तो 400 में 59 दे रखा है ना आपको, तो 400 तो 41% हमारे बॉयज हो जाएंगे, जो कि हमारा इसका आ जाएगा 164, ठीक है फ्रेंड्स, 164 आ गया, 41 × 4 आसानी से कर सकते हैं, देखिए 4 से 4 और 4 × 4 = 16, तो 164 आ गया फ्रेंच में, और 35 × 7 करेंगे 245 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों को ऐड करना है, तो 245 ये तो हमारे स्पेनिश में बॉयज़ हैं, ठीक है, और ये हमारे फ्रेंच में है 164, तो हमारे पास 409 हमारा आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर 409 है। तो देखिए आपको कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे ये सारा काम उतना आसानी से हो जाने वाला है। DI इस तरीके की आती है और ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें रिलेशन निकालना है एक दूसरे से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं कैलकुलेशन आपको करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए एक एक स्टेप और आप रिड्यूस कर सकें अपनी कैलकुलेशन में स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा 409 आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा, संस्थान एस में फ्रेंच की कक्षा में एनरोल लड़कों की संख्या, तो आप ये ध्यान रखें कि लड़का पूछा है लड़की पूछा है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्वेश्चन में और हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, चाहे हमें DI समझ में क्यों ना आ गई हो, तो आपको अलर्ट रहना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कॉशियस रहना इन चीज़ों से। देखिए संस्थान एस में फ्रेंच की कक्षा में नामांकित लड़कों की संख्या एनरोल लड़कों की संख्या, संस्थान यू में समान कक्षा में मतलब एस में मतलब सॉरी उसी कक्षा में फ्रेंच में, ठीक है, तो संस्थान यू में है ना फ्रेंच में ही नामान एनरोल लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए एस में बॉयज यही तो कह रहा है और यू में गर्ल्स है ना, ये कितना अधिक है ना, और ये दोनों किससे रिलेटेड है, फ्रेंच कक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप ओवरव्यू लिख लें पेपर पे, क्योंकि आप कैलकुलेशन करने वाले हैं और कंफ्यूज नहीं होंगे कि फ्रेंच का लेना है बॉयज लेना है गर्ल्स लेना है, तो ये पेपर पे लिख लें, तो ये टिप्स है आपके लिए, ठीक है। तो आपको एस में बॉयज निकालने हैं, पहला काम ये करेंगे एस में बॉयज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एस का आपको गिवन डेटा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एस में आपको 400 फ्रेंच में दे रखे हैं और फ्रेंच का ही डेटा है सारा, तो 400 दे रखे हैं। और बॉयज कैसे निकालेंगे, बस आप निकाल चुके हैं पहले भी 400 का 41%, ठीक है, तो आप पहले पिछले क्वेश्चन में भी 164 निकाले थे, तो आप इसको अगर याद रखते हैं और आपकी कैलकुलेशन साफ है तो यहाँ से आप सीधा सीधा डेटा लिख सकते थे इसका, 164 आपकी बॉयज पहले से ही है अपने पास, ठीक है ना। तो यू गर्ल्स, यू में गर्ल्स निकालने तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कितना दे रखा है हमारे पास फ्रेंच में, डेटा देखिए टोटल स्टूडेंट कितने यू में 390 दे रखे हैं फ्रेंड्स, तो 390 और जो परसेंटेज दे रखा है गिवन वो लड़कियों का ही है, तो डायरेक्टली निकालेंगे 390 का 30% दे रखा है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 117 आ जाएगा आपके पास आंसर, 9 × 3 = 27, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, 164 -117 अपॉन 117 कि बॉयज गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 164 -117 किससे, गर्ल्स से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की, जिससे कंपेरिजन में पूछे वो नीचे इंटू 100।
अब इसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है ये मैं बताता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कैलकुलेशन। तो ये इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 100, ये आपके पास समझ में आ गई। अब आपको इसको डिवाइड करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं फ्रेंड। देखिएगा ये है 47, ठीक है ना, ये है 11 मान लीजिए, तो 11 से आप मान लीजिए इसको मैं 470 लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि एक जीरो मैंने साइड में लग दिया और इसको 117 लिख दिया। अब आप देखिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 चौक 44, मतलब 117 को मैं 110 प्लस 7 लिखता हूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये माइंड कैलकुलेशन है। तो 440 प्लस 7 चौक 28, तो मतलब 468 के करीब आ रहा है, और जो कि हमारे पास 470 है तो ऑब्वियस ही बात है ये 40 के करीब जाएगा हमारा, तो 40 के करीब इसका 40% आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर ये आप माइंड कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना। देखिए इसका लगभग लगभग चौगुना है, कैसे पहचानेंगे इसका, देखिए आसपास देखिए इसका, पहले देखिए 11 है, 11 से कितना हो सकता है 444 हो सकता है, 17 चौके 68 हो सकता है, या तो है ना, तो 100 प्लस 17 भी लिख सकते थे, इंटू 4 करेंगे तो भी हमारा 468 आ जाएगा, तो नियरेस्ट पहुंचिए तो 40 आ जाएगा हमारा इसका 40%, और ऑप्शन में 40% नहीं है तो ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका टिप्स था कैलकुलेशन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डीआई में, वैसे कुछ भी नहीं होता है, सीधी सीधी कैलकुलेशन हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए संस्थान आर और यू में स्पेनिश की कक्षा में एनरोल कुल विद्यार्थियों का अनुपात निकालना है। बहुत आसान है कंसेप्ट ये, देखिए आर और यू में स्पेनिश, तो स्पेनिश कैसे आने वाले हैं, आर और यू में पूछा है, तो टोटल में से जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उसमें से हम फ्रेंच के माइनस कर दें तो हमारे पास स्पेनिश आ जाएगा ना, तो ये हमारे स्पेनिश के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आर में करना है और इसी तरीके से हमें यू में करना है। तो टोटल कितने हमारे पास, देखिएगा टोटल दे रखा है आर में 800, और 800 में से आपको मतलब 80 में से 32 घटाना है, आपको इतना सा काम करना है, आप जीरो को छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 80 में से आपको 32 घटाना है, तो देखिए 80 में से आप 32 घटा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जीरो चल रही है तो आप टेंशन ना लें, आंसर इसके पास ही आने वाला है और जीरो से कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। तो अब यू देखिए, यू में कितना है हमारे पास, 900 में से 390 घटाना है हमें, तो 900 में से 90 में से 39 घटा सकता हूँ ना मैं, तो ये काम करना है। और इसका आपको पूछा है रेशो पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे इसका, देखिएगा रेशो में तो फिर भी हमारा जीरो का कोई मतलब नहीं था, जीरो कटने वाला था, तो देखिए ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब घटाना आपको जल्दी आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से करेंगे। देखिए इसका क्या आ जाएगा, 51, ठीक है। अब ये किससे कटने वाला आपको पता है, 3 से कटेगा 16 टाइम और ये कटेगा 17 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 16:17 हमारा इसका आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर ई हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि कहीं भी आपको दे नहीं रखा है। तो आप पहला 16 निकाल के ये नहीं सोचें कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन ई आंसर होगा 16:17। तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था कि कैसे घटाना है, कैसे परसेंटेज निकालनी है, बॉयज का कैसे करना है, तो ये बेसिक डीआईज हो गई फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट बन गया होगा, जैसा कि मैंने आपको बहुत स्लो समझाया है यहाँ पे, आगे हम टिपिकल डीआई फास्ट करने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो आगे आप और फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 10-12 दिन 20 दिन तो प्रैक्टिस करने का टाइम है ही, तो हम कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिलेंगे अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो थैंक यू।